गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन ऑफ द बायोलॉजी दैट इज जेनेटिक्स. क्या बेटा? जेनेटिक्स. तो बिफोर स्टार्ट द लेसन वी नीड टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म. फर्स्ट वन इज दैट इज हेरिडिटी. क्या बेटा? हेरिडिटी. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हेरिडिटी? हेरिडिटी से आप क्या समझते हैं? सिंपल, हेरिडिटी द ट्रांसमिशन ऑफ द करेक्टर फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज सेड टू बी हेरिडिटी. क्या कहलाएगा बेटा? हेरिडिटी. जैसे करेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिशन क्या कहलाता है? हेरिडिटी. सेकेंड दैट इज वेरिएशन. क्या बेटा? वेरिएशन. और व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वेरिएशन? तो सिंपल, द डिफरेंस इन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज. एक ही जाति के जीवों में जो हमें विभिन्नता देखने को मिलती है. करेक्ट. सपोज करो हम हमारे एग्जाम्पल लेते हैं. वी आर बिलोंग्स टू द होमोसेपियंस. करेक्ट. बट वी आर नॉट सिमिलर. करेक्ट. हम सभी लोग क्या नहीं है बेटा? सिमिलर नहीं है. करेक्ट. तो दिस इज नोन एज वेरिएशन. क्या कहलाता है ये? वेरिएशन कहलाता है. नाउ वी आर कमिंग ऑन अवर टॉपिक दैट इज जेनेटिक्स. क्या बेटा? जेनेटिक्स. तो वॉट इज जेनेटिक्स? द क्यूमुलेटिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. किस किस का बेटा? हेरिडिटी और वेरिएशन का क्यूमुलेटिव स्टडी करना ही क्या कहलाएगा? जेनेटिक्स कहलाएगा. क्या कहलाएगा बेटा? जेनेटिक्स कहलाएगा. ठीक है. जेनेटिक जो टर्म है या जेनेटिक वर्ड कॉइंड बाय द साइंटिस्ट डब्ल्यू बैट्सन. कौन बेटा? डब्ल्यू बैट्सन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट दैट कॉइंड द टर्म जेनेटिक्स. जिसने किस टर्म को दिया बेटा? जेनेटिक्स को दिया इन 1906. किस में बेटा? इन 1906. करेक्ट. नाउ द इंट्रोडक्शन. हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? कौन बेटा फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो ग्रेगर जोहन मेंडल. कौन बेटा? ग्रेगर जोहन मेंडल वॉज फादर ऑफ जेनेटिक्स. कौन है ये? फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है. एंड द सेकेंड वन इज मॉर्गन. कौन बेटा? मॉर्गन इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट मेनली डन ऑन ड्रोसोफिला. मधुमक्खी के ऊपर, हाउस फ्लाई के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट दैट इज मॉर्गन. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. कौन सा बेटा? एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स दैट इज डब्ल्यू बैट्सन. कौन बेटा? डब्ल्यू बैट्सन नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. किसका बेटा? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. ठीक है. एंड द फादर ऑफ केमिकल जेनेटिक्स एंड अ ह्यूमन जेनेटिक्स दैट इज नोन एज ए गैरॉड. कौन बेटा? ए गैरॉड इज नोन एज फादर ऑफ केमिकल जेनेटिक्स और अ ह्यूमन जेनेटिक्स. फादर ऑफ केमिकल जेनेटिक्स और अ ह्यूमन जेनेटिक्स. ठीक है. सिंपल, वॉट इज हेरिडिटी? द ट्रांसमिशन ऑफ द करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज सेड टू बी हेरिडिटी. नेक्स्ट, वॉट इज वेरिएशन? द डिफरेंस इन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज वेरिएशन. एंड वॉट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज द क्यूमुलेटिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज सेड टू बी जेनेटिक्स. जेनेटिक्स टर्म गिवन बाय डब्ल्यू बैट्सन इन 1906. देन ग्रेगर जोहन मेंडल इज द फर्स्ट साइंटिस्ट अबाउट द give the information about the genetics. He is known as father of genetics. Then the father of experimental genetics that is Morgan, and the father of modern genetics that is W. Bateson, and the father of human genetics or a chemical genetics that is A. Garrod. Kaun beta? A. Garrod. Now I am talking about the some fact common terms related to genetics. Ab hum log kuch common terms ke bare mein baat karte hain. That is related to genetics. जो किससे related है बेटा? Genetics से related है. उनमें सबसे पहले है factor. कौन सा है बेटा? Factor. Factor, what is factor? Factor is a unit of
हेरिडिटी, क्या बेटा यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इट इज ऑल्सो नोन एज जीन, एंड जीन टर्म इज गिवन बाय साइंटिस्ट जोहानसेन, किसने दिया बेटा जोहानसेन ने, तो इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, व्हाट इज इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, द फर्स्ट टर्म दैट इज फैक्टर, कौन सा बेटा फैक्टर फर्स्ट टर्म, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स, अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू जेनेटिक्स, रिलेटेड टू जेनेटिक्स, इनमें सबसे पहली जो टर्म है वो कौन सा है बेटा, फर्स्ट वन इज दैट इज फैक्टर, कौन सा है बेटा फैक्टर, अच्छा व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, क्या कहलाया यूनिट ऑफ हेरिडिटी, लेकिन यही आगे चल के किस नाम से जाना गया बेटा जीन, जीन जो नेम या जो वर्ड है कॉइंड बाय साइंटिस्ट जोहानसेन, एंड इट इज अ फैक्ट, व्हाट इज इट, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, क्या है बेटा ये हेरिडिटी का फंक्शनल यूनिट है, या मैं इसको ऐसे कहूँ यही वो मेन रीजन है जिससे करेक्टर जो होता है वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है, नेक्स्ट सेकेंड वन इज दैट इज एलील, क्या बेटा एलील, सेकेंड टर्म है एलील, व्हाट इज एलील, सिंपल एलील इज अ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन, क्या है बेटा इट इज अ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन दैट प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, करेक्ट, ये क्या है अल्टरनेट फॉर्म है किसका बेटा जीन का, दैट प्रेजेंट ये मैं जो बना रहा हूं दैट इज द जीन, क्या है बेटा ये जीन है और ये दोनों जो मैंने बना रखे हैं आई शेप के देखे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या है बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम, सच रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज एलील, क्या बेटा एलील कहलाया, क्या कहलाया एलील कहलाया, एंड एलील जो टर्म है इट इज गिवन बाय जोहानसेन, किसने सॉरी बैटसन ने, किसने दिया बेटा बैटसन ने दिया, किसने दिया बैटसन ने, ठीक है, नेक्स्ट दैट इज होमोजाइगस, नेक्स्ट टर्म दैट इज होमोजाइगस, क्या बेटा होमोजाइगस, सिंपल होमोजाइगस इज अ जाइगोट, ये एक जाइगोट है दैट इज फॉर्म्ड, जो कि बना है बेटा दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ किसका ऑफ सेम जीन आइडेंटिकल जीन, द फ्यूजन ऑफ आइडेंटिकल जीन्स, क्या बेटा आइडेंटिकल जीन्स, कहने का मतलब ऐसा जायगोट जिसके दोनों जीन क्या हो सेम हो, सच जायगोट इज नोन एज होमोजाइगोट, एंड द ऑर्गेनिज्म दैट डेवलप फ्रॉम सच जायगोट इज नोन एज होमोजाइगस, क्या कहलाया बेटा होमोजाइगस, सपोज करो कोई जायगोट है जिसके दोनों जीन क्या है सेम है, सपोज दिस आर कैपिटल टी एंड दिस इज अनोदर इज ऑल्सो कैपिटल टी, इट मीन्स बोथ जीन्स आर आइडेंटिकल, यहाँ पे दोनों जीन क्या है बेटा आइडेंटिकल है, तो ऐसा जायगोट तो क्या कहलाया होमोजाइगोट, और ऐसे जायगोट से जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ दैट इज नोन एज होमोजाइगस, क्या कहलाया बेटा होमोजाइगस, सेम लाइक सपोज करो ये जीन कौन सा है बेटा स्मॉल टी एंड अनोदर वन इज ऑल्सो स्मॉल टी, दोनों क्या होने चाहिए आइडेंटिकल होने चाहिए, सच जायगोट इज नोन एज होमोजाइगोट एंड द ऑर्गेनिज्म दैट डेवलप फ्रॉम सच जायगोट इज नोन एज होमोजाइगस, क्या कहलाया बेटा होमोजाइगस, नाउ फोर्थ वन इज दैट इज हेटरोजाइगस, क्या बेटा हेटरोजाइगस, तो हेटरोजाइगस सिंपल यहां पे अपन देख रहे थे यहां पे बोथ जीन कैसे थे आइडेंटिकल थे, कैसे थे बेटा आइडेंटिकल थे, तो सिंपल जायगोट दैट इज फॉर्म ड्यू टू टू डिफरेंट या डिसिमिलर जीन्स, जिन दो डिसिमिलर जीन्स हैं, सपोज यहां पे कैपिटल टी है तो यहां पे क्या है बेटा स्मॉल टी है, अब ये जायगोट इज नोन एज हेटरोजाइगोट, ये क्या कहलाएगा हेटरोजाइगोट, और ऐसे जायगोट से जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा दैट इज नोन एज हेटरोजाइगस, क्या कहलाएगा बेटा हेटरोजाइगस, ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टर्म ऑफ द जेनेटिक्स दैट इज फिनोटाइप जीनोटाइप, क्या बेटा फिनोटाइप एंड जीनोटाइप,
तो पहले कौन सा है बेटा, फिनोटाइप, फिफ्थ वन इज फिनोटाइप। फिनोटाइप इट शोस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट शो द एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीरियंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अपीरियंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। For a particular trait, ऐसा फिनोटाइप सो सिर्फ क्या बेटा, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल क्या अपीरियंस, बाह्य आकार की को देख के जो करेक्टर शो करते हैं, दैट इज नोन एज फिनोटाइप। एंड सिक्स वन इज दैट इज जीनोटाइप। क्या बेटा, जीनोटाइप, हिंदी में इसको बोलते हैं लक्षण प्रारूप, इसको बोलते हैं जीन प्रारूप, करेक्ट। इट शो द जेनेटिक मेकअप, इट शो द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिक्यूलर करेक्टर, फॉर अ पर्टिक्यूलर ट्रेट, और अ पर्टिक्यूलर ट्रेट। यहां पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसका जेनेटिक मेकअप स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी, दैट इज डोमिनेंट करेक्टर। कौन सा बेटा, डोमिनेंट करेक्टर, व्हाट आर डोमिनेंट करेक्टर, द करेक्टर दैट एक्सप्रेस देयर इफेक्ट इन F1 जनरेशन। क्या बेटा, द करेक्टर दैट एक्सप्रेस देयर इफेक्ट, दैट एक्सप्रेस दियर इफेक्ट इन F1 जनरेशन। किसमें बेटा, दियर इफेक्ट इन F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन में अपना प्रभाव दिखाते हैं, दैट इज नोन एज डोमिनेंट करेक्टर, और जो नहीं दिखाते हैं, दैट आर नोन एज रिसेसिव। क्या बेटा, रिसेसिव करेक्टर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसेसिव करेक्टर, द करेक्टर दैट आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर इफेक्ट इन F1 जनरेशन, द करेक्टर दैट आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर इफेक्ट इन F1 जनरेशन, देयर इफेक्ट इन F1 जनरेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने फिनोटाइप सबसे पहले किया, अपन ने कौन सा, एलील, फैक्टर, सबसे पहले फैक्टर और जीन, देन एलील, देन होमोजाइगस, देन हेट्रोजाइगस, देन फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट करेक्टर एंड रिसेसिव करेक्टर, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। किसका बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक है बेटा आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक हो गया आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। वन इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और सेकंड वन इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस कौन सा होता है, व्हेन वी कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर एट अ टाइम इन वन क्रॉस, when we consider the inheritance
ऑफ वन करेक्टर एट अ टाइम। और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, वैन वी कंसीडर टू करेक्टर एट अ टाइम। मोनो मीन्स वन, जब वन करेक्टर को लेके वी आर स्टडी द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, करेक्ट, इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एंड वेन डाय मीन्स टू, वेन वी टेक टू करेक्टर फॉर स्टडी ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आर सेट टू बी अ डाय हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल्स फर्स्ट लॉ, क्या बेटा, मेंडल्स फर्स्ट लॉ नेम इज लॉ ऑफ डोमिनेंट। क्या नाम है बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंट आर बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ डोमिनेंट और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कौन सा बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बोथ आर बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल के प्रथम दो नियम कौन कौन सा बेटा, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्योरिटी ऑफ गैमेट, बोथ आर बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इट मीन्स इन दीज लॉज we just take one character for study of inheritance, correct? If you are talking about the dihybrid cross, the crosses in which we take two character for study of law of inheritance, and Mendel's third law, that is known as law of independent assortment, independent assortment is based on, kis pe based hai, is based on the dihybrid cross, किस पे बेस्ड है बेटा, dihybrid cross, ठीक है। मोनो मीन्स वन, हाइब्रिड क्रॉस वहां पे वन करेक्टर को लेके, वेन वी कंसिडर द इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर एट अ टाइम इन वन क्रॉस, दिस इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एंड वेन वी कंसिडर द इनहेरिटेंस ऑफ टू करेक्टर एट अ टाइम इन अ क्रॉस, जब हम एक टाइम पर दो करेक्टर को कंसीडर करते हैं तो डाइहाइब्रिड, और जब हम एक टाइम पे एक करेक्टर को कंसीडर करते हैं इन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आर सेड टू बी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड मेंडल्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेकंड को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आर बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड थर्ड लॉ, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। Now we are talking about the Mendelism. क्या बेटा, Mendelism. What do you mean by the Mendelism? Mendelism से आप क्या समझते हैं? Simple. All the experiment done by the Mendel on the genetics, correct? वो सभी प्रयोग जो Mendel ने किए किसके ऊपर बेटा, genetics के ऊपर। And क्या किया उसने, formulation of the principles. क्या निकाले उसने, सिद्धांत दिए, principle दिए, laws दिए। And the formulation of principle, the mechanism and explanation of the mechanism of the heredity is known as Mendelism. और जो mechanism उन्होंने explain किया related to genetics is known as Mendelism. क्या कहलाया बेटा, Mendelism कहलाया। क्या कहलाया, Mendelism। क्या कहलाया, Mendelism. तो simple, experiment performed by the Mendel in genetics and description of the mechanism of heredity process and the formulation of the principles is known as Mendelism. आपसे पूछ ले कि what do you mean by the Mendelism? तो answer क्या आएगा? All the experiment done by the Mendel and the formulation of the principles and explanation of the mechanism of heredity is known as Mendelism. क्या कहलाया बेटा? Mendelism. Gregor Zon Mendel 1822 to 1884. ग्रेगर जोहन मेंडल, जी जे मेंडल, क्या बेटा, कब से कब, इन 1822 to 1884, ठीक है। इनके मैक्सिमम जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो इन्होंने प्लांट सेलेक्ट किया था, दैट इज पी प्लांट। कौन सा बेटा, पी प्लांट। मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर दियर एक्सपेरिमेंट एंड द बॉटनिकल नेम ऑफ दिस प्लांट दैट इज पाइसम सटाइवम। क्या बेटा,
पाइसम सटाइवम, बराबर। अब यहां से क्वेश्चन निकलेगा कि वाई मेंडल, क्वेश्चन आया वाई मेंडल, एक नंबर में तो यह आ जाएगा राइट द बॉटनिकल नेम ऑफ द पी प्लांट, और तीन नंबर में आएगा तो क्या पूछेगा वाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट, क्या आएगा बेटा वाई मेंडल सेलेक्ट सेलेक्ट पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया, और भी तो पेड़ थे, बरगद का पेड़ था, पीपल का पेड़ था, उसको क्यों सेलेक्ट नहीं किया, समझ में आ रहा है। तो सिंपल गिव एनी थ्री रीजंस, फर्स्ट वन इज, पहला रीजन क्या है बेटा, इट इज अ एनुअल प्लांट, कैसा प्लांट है ये, एनुअल प्लांट, इट इज अ एनुअल प्लांट। अच्छा एनुअल प्लांट होगा तो फायदा क्या मिलेगा, सिंपल इसका इन वन ईयर, किसने में बेटा इन वन ईयर वी आर स्टडी 3 to 4 जनरेशन ऑफ दिस प्लांट, एक साल में हम इसकी 3 से 4 जनरेशन को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, दैट्स व्हाई द मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट। सेकंड बेटा, सेकंड रीजन क्या था कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नेचुरली होता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन नेचुरली, सेल्फ पॉलिनेशन कैसा होता है बेटा, नेचुरली पाया जाता है, और इफ यू रिक्वायर्ड देन क्रॉस पॉलिनेशन ऑल्सो डन, क्या बेटा क्रॉस पॉलिनेशन ऑल्सो डन, सेल्फ पॉलिनेशन तो होता ही है, अगर रिक्वायर्ड है तो क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता है। थर्ड वन इज 7 pair ऑफ, कितना बेटा 7 pair, 7 जोड़े क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्ट करेक्टर्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं कॉन्ट्रास्ट करेक्टर्स पाए जाते हैं। कॉन्ट्रास्ट करेक्टर का मतलब है विपर्यासी लक्षण, अगर एक पेड़ टॉल है तो दूसरा कैसा होगा बेटा ड्वार्फ होगा, एक का फूल पर्पल है तो दूसरे का क्या होगा व्हाइट होगा, एक का सीड कैसा है राउंड है तो दूसरे का रिंकल्ड होगा, एक का सीड कोटिलेडन येलो है तो उसका ग्रीन होगा, ऐसे 7 pair 7 जोड़े क्या पाए जाते थे कॉन्ट्रास्ट करेक्टर पाए जाते थे, दैट्स वाई द मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट। एंड द फोर्थ वन इज ऑल करेक्टर्स इन सभी लक्षणों को ऑल करेक्टर्स आर इजीली सीन बाय नॉर्मल आइज, क्या बेटा इन सब करेक्टर को हम नॉर्मल आइज से देख सकते थे या देखने की वजह से, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल गैजेट और इक्विपमेंट। और फिफ्थ वन इज दैट इज इजी टू कल्टीवेट, क्या बेटा इजी टू कल्टीवेट, दीज ऑल आर द रीजंस ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट बाय मेंडल, ये सभी कारण थे जिनकी वजह से मेंडल सेलेक्ट द पी प्लांट। मेंडल ने किसको सेलेक्ट किया बेटा, पी प्लांट को सेलेक्ट किया। फर्स्ट वन इज इट इज अ एनुअल प्लांट, अब एनुअल प्लांट का फायदा ये है कि इन वन ईयर वी ऑब्टेन 3 to 4 जनरेशन ऑफ दैट प्लांट, सेल्फ पॉलिनेशन नेचुरली पाया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जा सकता है, 7 pair ऑफ कॉन्ट्रास्ट करेक्टर्स पाए जाते हैं, ऑल करेक्टर आर सीन बाई द नॉर्मलाइज, तो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडिशनल इक्विपमेंट और अ गैजेट, एंड आर इजी टू कल्टिवेट, सो दीज आर द मेन रीजन ऑफ सेलेक्शन बिहाइंड द पी प्लांट, करेक्ट। वॉट इज पी प्लांट, बॉटनिकल नेम इज पाइसम सटाइवम, क्या बेटा पाइसम सटाइवम। नाउ यहां से एक दूसरा निकलेगा बेटा, वट आर द रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस, मेंडल के सफलता के कारण क्या थे, करेक्ट। वट इज द रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस, मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, ठीक है। तो सिंपल वॉट द रीजन बिहाइंड द मेंडल सक्सेस, मेंडल के सक्सेस होने के रीजन थे कि भाई एक तो उन्होंने क्या वन टाइम में किसको बेटा वन करेक्टर को क्या किया स्टडी किया, मेंडल स्टडी वन करेक्टर एट अ टाइम। सेकंड, दूसरा मेंडल के सफल होने का पहला क्या कि वन करेक्टर को एक बार में एक ही करेक्टर को क्या किया बेटा स्टडी किया। दूसरा जो रीजन था वो था सेलेक्टेड वेरी केयरफुली, मेंडल सेलेक्ट द करेक्टर वेयर वेरी केयरफुली। और तीसरा द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट दैट यूज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स इन दियर एक्सपेरिमेंट, सो देयर इज अ नो चांस ऑफ द
एरर, जहां पे एरर आने के चांसेस क्या थे बेटा, कम थे, समझ में आया। तो दीज आर द रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस, ये कारण थे किसके बेटा, मेंडल के सफल होने के। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को अपन पढ़ लेते हैं। क्या बेटा, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्या पढ़ते हैं बेटा, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तीन है अपने पास, कितने बेटा, तीन है। कौन कौन से हैं, पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट, और तीसरा कौन सा है बेटा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो फर्स्ट दो जो लॉ हैं दैट आर बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड लास्ट थर्ड वन इज बेस्ड ऑन डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो अब अपन कौन सा स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, कौन सा बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है अकॉर्डिंग टू मेंडल ईच जेनेटिक करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर दैट इज नोन एज यूनिट फैक्टर। हर एक जो करेक्टर होता है इट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, मतलब एक जोड़ा क्या होते हैं बेटा, जीन होते हैं, वो एक पर्टिकुलर एक करेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमने क्या ले लिया, हाइट ऑफ द प्लांट ले ली, क्या ले ली बेटा, हाइट ऑफ द प्लांट या हाइट ऑफ द स्टेम, हाइट ऑफ द प्लांट। अब प्लांट लंबा होगा, सपोज प्लांट इज टॉल, तो प्लांट टॉल होगा तो क्या होगा बेटा, ए पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर दैट इज कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, करेक्ट। और अगर पेड़ कैसा होगा बेटा, ड्वार्फ होगा, तो देयर इज अ यूनिट फैक्टर कंट्रोल द ड्वार्फिज्म दैट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, करेक्ट। तो सपोज दिस वन इज अ पेरेंट जनरेशन, क्या है बेटा ये, पेरेंट जनरेशन, कौन सा है ये, पेरेंट जनरेशन। एंड व्हेन वी क्रॉसिंग दिस, जब हमने इनके बीच में क्रॉस करवाया, देन वी ऑब्टेन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, क्या बेटा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दैट इज एफ वन जनरेशन, कौन सा जनरेशन बेटा, एफ वन जनरेशन। And all plants are tall. सभी पेड़ कैसे प्राप्त हुए हमें, लंबे पेड़ प्राप्त हुए। ठीक है, तो यहां पे जो बात समझने की वो ये है कि किसी भी एक करेक्टर को, करेक्टर क्या हो गया यहां पे बेटा, हाइट ऑफ द प्लांट। अब वो पेड़ अगर लंबा है तो उसके अंदर कौन से दो जीन है, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, करेक्ट। एक करेक्टर जो है उसको एक पेयर जीन का क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो पेयर है जीन का, और ये हो गया एक पेयर, करेक्ट। अगर वो ड्वार्फ है तो उसके अंदर क्या है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, करेक्ट। तो हमने जब इनका क्रॉस कराया तो जो जनरेशन आई उसमें देखा कि सभी पेड़ कैसे थे बेटा, टॉल थे। लेकिन जब हमने उसके जीन को स्टडी किया तो देखा कि वहां पे एक जीन कौन सा है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टॉलनेस, एंड वन जीन दैट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस, करेक्ट। बट प्लांट इज टॉल, लेकिन पेड़ कैसा है बेटा, टॉल है। इसका मतलब है यहां पे कैपिटल टी दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टॉलनेस ऑफ द प्लांट दैट इज डोमिनेंट हेयर, ये यहां पे क्या है बेटा, डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब ये अपने इफेक्ट को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तभी तो सभी पेड़ कैसे आ रहे हैं, टॉल आ रहे हैं। भाई ड्वार्फ भी तो आ सकते थे, लेकिन यहां पे स्मॉल टी नॉट एक्सप्रेस देयर इफेक्ट। तो यहां पे स्मॉल टी क्या है बेटा, इट इज अ रिसेसिव, कौन सा है बेटा, ये रिसेसिव करेक्टर है यहां पे, समझ में आ गया। तो व्हाट इज डोमिनेंट करेक्टर्स, डोमिनेंट करेक्टर आर दोस करेक्टर दैट एक्सप्रेस देयर इफेक्ट इन F1 जनरेशन आर सेड टू बी डोमिनेंट करेक्टर। एंड व्हाट आर रिसेसिव करेक्टर, रिसेसिव करेक्टर आर दोज करेक्टर्स दैट डज नॉट एक्सप्रेस देयर इफेक्ट इन F1 जनरेशन। या फिर मैं इसको ऐसे कहूं, इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट, डोमिनेंट की प्रेजेंस में रिसेसिव आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर इफेक्ट। रिसेसिव जो है वो अपना प्रभाव एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रिसेसिव फैक्टर्स, करेक्ट। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या हो गया बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कौन सा हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका मेंडल्स जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ
segregation or a purity of gamete. We are discussing next video. Thank you. Have a nice day.